वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी स्मार्ट सिलेबस फॉर डीआई सिविल थर्ड ईयर सिविल 343 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसमें आपने जो है हिस्ट्रिकल जो आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, ये नहीं करने आपने। चैप्टर नंबर 2 रोड अलाइनमेंट, इसके अंदर आपने फैक्टर कंट्रोलिंग सिलेक्शन ऑफ रोड अलाइनमेंट, ये नहीं करना। और स्पेशल कंसिडरेशन फॉर हिली रोड, ठीक है, ग्रेड्स एंड कैम्बर, ये भी नहीं करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हाईवे जियोमेट्रिक डिज़ाइन, इसमें आपने मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन नहीं करना, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 4 रोड स्ट्रक्चर, इसमें आपने टाइप्स ऑफ सरफेस अर्थ जो ग्रेवल्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ रोड सरफेस, ठीक है, अलॉट मटेरियल स्टोन एग्रीगेट बिचुमिनियस मटेरियल सीमेंट एंड कंक्रीट, ये नहीं करने, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5 रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें आपने डस्ट जो आपकी आ जाएगी इसमें आई थिंक जो लफ्स लिखा गया है आप इसको बुक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नसेंस एंड इट्स प्रिवेंशन एज समथिंग एल्स। और उसके बाद जो आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ सर्फिसिंग ओल्ड एंड हॉट, ठीक है, प्रोसेस बिचुमिनियस मैकेडम प्रीमिक्स असफॉल्ट मैकेडम बिचुमिनियस, ठीक है, कंक्रीट प्रिवेंट सॉरी पेवमेंट शीट एसफॉल्ट और पेवमेंट, ये जो आपने नहीं करना। काइंड्स ऑफ प्रीमिक्स कंक्रीट रोड सीमेंट बाउंड्रीड मैकेडम, ठीक है, और कंपैरिजन बिटवीन रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये भी नहीं करना। और सीबीआर टेस्ट फॉर रोड मटेरियल, ये भी नहीं करना। एंड स्टैंडर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन आइटम्स ऑफ वर्क, ये भी नहीं करना। बाकी अपने टॉपिक करने हैं, जो नहीं करने हैं वो इसमें काटे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 रोड ड्रेनेज, ये आपने जो है ना लास्ट टॉपिक क्रॉस ड्रेनेज आपका जो स्ट्रक्चर है ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 7 ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इसमें ट्रैफिक डेंसिटी सर्वे नहीं करना। और ट्रैफिक इज लैंड रिफ्यूज इज लैंड, ठीक है, एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 इंटरसेक्शन, इसमें आपने डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर प्रोविजन ऑफ जंक्शंस, ये नहीं करने। फैक्टर अफेक्टिंग द लेआउट ऑफ जंक्शन, ये भी नहीं करने। चैप्टर नंबर 9 मेट्रोबस, मेट्रोबस में आपका जो लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रूट सिस्टम फॉर मेट्रो सर्विसेज, ये नहीं आपने करना, ठीक है, मेट्रो सर्विस की भी रूट्स नहीं करने। चैप्टर नंबर 10 रोड मेंटेनेंस, में आपने कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट रोड एंड रिपेयर ऑफ कंक्रीट रोड्स, ये भी नहीं करना। और रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड मटेरियल, ये भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 11 रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये आपने कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 12 एयरपोर्ट्स एंड रनवेज, इसमें आपने जो है रिपेयर ऑफ रनवे, ये नहीं करना, ठीक है, एंड लाइटिंग ऑफ एयरपोर्ट, ये भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 13 रूल ऑफ जो होता है ना रूल ऑफ जो आपके रेलवेज हैं इन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो इसमें अपने मेट्रो रेल सिस्टम जो है ना ये नहीं करना। चैप्टर नंबर 14 परमानेंट वे, ठीक है, वे रास्ता होता है, ठीक है, तो पुख्ता रास्ता या परमानेंट जो होता है आपका, फैक्टर्स गवर्निंग जो आपका अडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गेज, ये नहीं करना। रेल टाइप्स रेल जॉइंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें फास्टनिंग फिश प्लेट्स बोर्ड्स स्पाइक, ठीक है, चेयर एंड बेरिंग प्लेट्स, ये सब कुछ नहीं करना। रेलवेज कैरिज व्हील, ठीक हो गया, कॉनिंग ऑफ व्हील, ये आपने नहीं पढ़ने। चैप्टर नंबर 13 जो है आपका इसमें मेट्रो रेल सिस्टम, ये नहीं करना आपने, सॉरी वापस रिपीट हो गया। चैप्टर 15 क्रीप, इस चैप्टर में आपने जो है 15.3 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रीप नहीं करना, ठीक है। चैप्टर 16 पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग, इसमें आपने 16.3 यानी स्विचेस शेप्स लेंथ ऑफ स्टॉक एंड टोंग, ठीक है, रेल हेल क्लियरेंस और स्विच एंगल थ्रू स्विचेस, जो जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ये आपने नहीं करने, ठीक है। इसके अलावा थ्रेटिकली एंड एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये भी नहीं करना। और इसके अलावा जी क्रॉसिंग एंगल ऑफ एंड नंबर एंगल एंड नंबर, उसके बाद स्टेशन यार्ड एंड देयर लेआउट, ये नहीं करने। सिर्फ ये नहीं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आपने पर्पस पढ़ने स्लीपर्स फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग थ्रू ये जो आपका आ जाएगा एंड इंटरलेस्ड स्लीपर्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, बस यही पढ़ने हैं। चैप्टर 17 सिग्नल्स, सिग्नल वाले चैप्टर में आपने स्पेसिफिक जो आपकी यानी कि क्लासिफिकेशन है ना, लेकिन आपने पढ़ना क्या नहीं है उसमें सिग्नलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बस ये नहीं पढ़ना, बाकी सारा कुछ पढ़ना है। चैप्टर 18 जो आपका टनल्स, ठीक है, सुरंगों के ऊपर है, इसमें आपने इंपॉर्टेंस ऑफ जो आपका टनल इंजीनियरिंग है ये नहीं पढ़ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 डॉक्स हार्बर, इसमें आपने टाइडल वेव
ठीक है, ब्रेक वाटर एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये नहीं पढ़ना। और उसके बाद आपका जो आ जाएगा जी वेव्स, क्वेक, वॉल और जेटीज, पियर्स, ठीक है, ये भी आपने नहीं पढ़ने, ठीक हो गया। और बीच और इरोजन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, लॉक एंड लोगेट, लॉक्स एंड लोगेट, ये भी नहीं आपने पढ़ने, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 20, सेकेंड लास्ट चैप्टर ड्रेजिंग, और इसमें आपने नेसेसिटी ऑफ ड्रेजिंग भी नहीं पढ़नी, ठीक है, एंड जो आपका डिस्पोजल ऑफ ड्रेजिंग मटेरियल, ये भी आपने नहीं पढ़ना। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर है नेविगेशनल एड्स, इसमें आपने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, लाइट हाउस, ठीक है, बीकॉन, लाइट शिप एंड बोय, ये नहीं पढ़ने, सिर्फ डेफिनेशन एंड नेविगेशन एड्स जो है इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़ जो है वो